सो गाइस, मैं फिलहाल जा रहा हूँ मरलायन और मरीना बे सैंड्स की ओर, और मैं स्टेशन से ये लेने वाला हूँ ट्रेन। MRT स्टेशन है रोजहॉर करके, जस्ट 2 मिनट के डिस्टेंस पे है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और मैंने जस्ट एक 7-Eleven से पानी की बॉटल ली। बेसिकली अगर आपको है ना कहीं पे भी जाके उस जगह के एक्सपेंसिव या फिर कॉस्टली होने का अगर आपको ये चाहिए, खुलासा चाहिए, तो सबसे पहले जाके वहाँ के जनरल स्टोर से एक पानी की बॉटल ले लीजिए। तो पानी की बॉटल मुझे $1.80 में आई है, सिंगापुर डॉलर, जो कि हो जाते हैं 70-80 रुपीज़। यस, सो जो पानी की बॉटल मुझे इंडिया में 10 रुपये में या फिर 12 रुपये में मिलती है, उतने साइज़ की पानी की बॉटल मुझे 80 रुपये में मिली है। तो आप समझ सकते हो कि सिंगापुर कितना कॉस्टली है। कहीं पे भी जाओ, मैंने अभी एक छोटा सा मसाला डोसा भी खाया। यहाँ पे साउथ इंडियन स्टाइल में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो मैंने सोचा चलो, अभी बज रहे हैं 4, तो मैंने सोचा चलो कुछ लाइट स्नैक्स खा लेते हैं रादर गोइंग फॉर हैवी मील। तो मैंने थोड़ा सा डोसा खाया, उसका 3 सिंगापुर डॉलर था, दैट्स 150 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। जी हाँ, 150-155 ही पकड़ लो। तो कॉस्टली है, सोच समझ के सिंगापुर आना। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे इसलिए 2 ही दिन के लिए रुकने वाला हूँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रुकने वाला। मुझे पता है ये बहुत डेड कॉस्टली है। और जो हॉस्टल है मैं आपको उसका टूर भी दूंगा जो थोड़े देर बाद देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक था अंदर हॉस्टल के अंदर। तो मैं सोचा भाई जो हॉस्टल का एक टूर है, अच्छा खासा एक सिनेमैटिक व्यू लेता हूँ और फिर आपको बता दूंगा। सो यप, रोजहॉर से मैं अभी ट्रेन लेने वाला हूँ, जो मैंने इजी लिंक का बस प्लस मेट्रो पास लिया था फ्री में, अनलिमिटेड 2 दिन तक मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ, कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस कार्ड चिपकाओ घूमते रहो। तो वही करने वाला हूँ मैं, चलते हैं रोजहॉर की ओर। ये मेरा स्ट्रीट है बेसिकली, और लेफ्ट साइड में मैं रह रहा हूँ, और ये स्टेशन है। यहाँ पे आपको बहुत सारा इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन सब कुछ इंडियन ही मिलेगा, क्योंकि लिटिल इंडिया है ये पूरा एरिया। सो यप, लेट्स गो। बस यहाँ पे बाहर ही आया था, रोजहॉर स्टेशन के बाहर ही हूँ। मैंने ये व्यू देखा, मुझे अच्छा लगा। ये देखो सब गाड़ियाँ जा रही है, और आप देख सकते हो थोड़ा सा डल हो चुका है सिंगापुर का माहौल, जो वेदर है थोड़ा सा डल लग रहा है मुझे, बिकॉज यहाँ पे बारिश होने की संभावना दिख रही है। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ मरलायन, वहाँ पे घूमते हैं। फिर मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे फुकेट में मिली थी, एंड देन मुझे अभी हो सिंगापुर में भी मिलने वाले, क्योंकि वो सिंगापुर में रहती है। तो यप, मैं उससे मिलने वाला हूँ, लेट्स सी, आई विल कीप यू पोस्टेड। सो गाइस, डाउनटाउन से बाहर आते ही राइट लेना है और सीधा चलते हुए आना है मरलायन की ओर। और नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे स्काई स्क्रैपर, पूरा गिर चुका हूँ मैं स्काई स्क्रैपर से, और विंड भाई साहब, हवा बहुत तेज़ चल रही है, और बारिश तो थोड़े थोड़े बूंदे पड़ रही है। सो यप, सो फार सो गुड, लेट्स गो। मैं जाने वाला था मरलायन की ओर, लेकिन मैं आ चुका हूँ मरीना बे सैंड्स में, और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं गार्डन्स बे पे। तो वहाँ पे आपको ही दिखा देता हूँ कि क्या होने वाला है। मरलायन की ओर जाने वाला था, लेकिन मुझे एक दोस्त मिल गया था कोलंबियन, तो उसके साथ मैं जा रहा हूँ गार्डन्स बे, एंड देन उसके बाद मैं जाऊँगा मरलायन की ओर, फिर गार्डन्स
फिर ये जो मरीना बे सैंड्स है उसकी नाइट के ये है, यहाँ पे ही होता है शायद लाइटनिंग। सो यप, लाइट शो, लेज़र लाइट शो जो रहेगा वो आपको दिखा दूंगा। सो यप, लेट्स गो, लेट्स गो। सो अभी जस्ट हम लोग आ गए हैं मरीना बे मार्केट में, शॉपिंग मॉल में। आप देख सकते हो वहाँ पे नीचे एक ग्राउंड फ्लोर है, मतलब मॉल के अंदर एक छोटी सी नदी बनाई गई है। सो गाइज, ये लोग ने तो भाई पूरी की पूरी एक कैनाल बिल्ड कर दिया है अंदर, और क्या मजे से बोट राइड कर रहे हैं ये लोग। देखो भाई साहब, बहुत ही बढ़िया है ये तो। मरीना बे का ये मॉल है बेसिकली, मरलाइन यहाँ से ठीक सामने दिखा रहा है, लेकिन वहाँ जाके देखने में ही बहुत ज़्यादा मज़ा है, ऐसे ही देखने में कुछ नहीं है, है कि नहीं। तो जाते हैं गार्डन्स बे की ओर और फिर देखते हैं कैसा है सीन। मरीना बे सैंड्स के तीन टावर के नीचे। सो यप, ये होटल है बेसिकली, 5-star 7-star जो भी बोल लो, लेकिन इसका एंट्रेंस देखो फुल ऑन भूल बन गया है। ये देखो, ये मूविंग वॉल है बेसिकली, बहुत कुछ नेक्स्ट लेवल का थिंग ये लोग कर रहे हैं, ये सब सिंगापुर वाले। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि मतलब आंखें ऐसे हार्ड रही है मेरे, लाइक लिटरली है ना, मैंने बहुत सारे चीज़ें अभी नीचे भी देखे थे। अमेजिंग सिंगापुर, कॉस्टली भी है, ये याद रखना, अमेजिंग है कॉस्टली भी है, समझा। सो ये गार्डन्स बाय द बे की ओर चलते हैं, लेट्स गो। गाइज, बेसिकली ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये जो ऊपर है शिप टाइप, तो एक मिनट, ये जो दिख रहा है आपको ये शिप टाइप है, और वो पर्टिकुलरली होटल है, और इसके अंदर बहुत सारे कुछ ना कुछ ऑफिसेस देन होटल्स भी है अंदर, अंदर बहुत सारा चीज़ें हैं। सो यप, अंदर का नज़ारा तो और भी आसान है। मैंने जैसे बोला था, यहाँ पे है ये पूरा मरीना बे सैंड्स है, होटल है, पूरा 7-star होटल है। वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है चेक इन चेकआउट का, रिसेप्शन है, और भाई साहब क्या बनाया ये लोग ने, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies.